एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने अपने स्वयं के अस्तित्व का एक संकट आ खड़ा हुआ था, क्योंकि हजारों युवकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। हर नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, व्यापारिक संगठनों और हिंदू संगठनों के हर नेता के खिलाफ, हजारों नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, तमाम यातनाएं दी गई, महीनों तक मुजफ्फरनगर चलता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज ये लोग दो लड़कों की जोड़ी बना करके फिर से आपकी यानी उस दंगों की भट्टी में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फिर झोंकने की साजिश के तहत आए हैं, और आपको इसके प्रति आगाह करने के लिए मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि दंगाई आज 5 साल में कोई दंगा हुआ, 5 साल में कोई दंगा देखा? क्योंकि दंगाइयों को मालूम है, दंगा करेंगे तो बाप दादों की कमाई को सब हम लोग कायदे से वसूली में ले लेंगे, और फिर उनके गले में तख्ती लटका करके किसी थाने में भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे कि जाओ जान की भीख मांगो। क्योंकि इन दंगाइयों का एक ही यही हाल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग समर्थन करते हैं तो फिर ये लोग किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? कैसे ये लोग आए हैं? और भाइयों बहनों, ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए तो क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? बिजली नहीं थी, क्योंकि सपा बसपा तो अंधेरे में रहने के आदि हैं। क्योंकि हमारी एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, बिजली इसीलिए नहीं देते थे, बिजली इसीलिए नहीं देते थे क्योंकि रात्रि में ही किसान के खेत से ट्यूबवेल और पंपिंग सेट चोरी करने के लिए उनको मौका मिल जाता था। गरीबों को अन्न नहीं देते थे, उनके लोग सारा अन्न हजम कर जाते थे।